हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन, कि किस तरह से अपने स्किन को अच्छे से नरिश करना चाहिए, मॉइस्चराइज करना चाहिए, अपने स्किन का केयर करना चाहिए। नाइट में भी हम लोग को अपने स्किन केयर करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाऊँगी, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगी। आप अपने हिसाब से, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट यहाँ यूज़ करी वही प्रोडक्ट आप यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी। मेकअप रिमूवर के हेल्प से मैंने दिन में जो मेकअप किया था शाम को वो मेकअप मैं हटाऊँगी। तो मैं बिंदी को हटा रही हूँ, उसके बाद मेकअप रिमूवर के हेल्प से मेकअप को रिमूव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल में, आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक मैं मेकअप हटा रही हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया, आप देख सकते हैं इतना सारा मेरा मेकअप प्रोडक्ट मेरा स्किन से निकला है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप जब भी आप फेस वॉश करेंगे रात के टाइम में, अगर आप मेकअप किए हैं तो आप सबसे पहले अपने मेकअप को रिमूव कर लें, उसके बाद देन आप फेस वॉश करिए। तो यहाँ पर मैं फेस वॉश करूँगी। यहाँ पर मैं एल्फ्स गुडनेस का फेस वॉश ले रही हूँ, जो कि नीम और तुलसी का फेस वॉश है, और ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, स्पेशली टीनएजर्स के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, अफोर्डेबल फेस वॉश है। ये एकदम जेल फेस वॉश है, एकदम लगता है कि पूरा जेल है। तो सबसे पहले मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसे मसाज करूँगी, उसके बाद पानी के हेल्प से वॉश कर लूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है और मैं कपड़े के हेल्प से इसे डैप डैप करके पूरे इसे पानी को हटा रही हूँ। आप जब भी फेस वॉश करके आते हैं तो आप अपने फेस को डैप डैप करके ही अपने पानी को हटाएं, फेस को रगड़ना नहीं है फ्रेंड्स तौलिया के साथ। उसके बाद यहाँ पे मेरा फेस अभी आप देख सकते हैं पूरा सूख गया है। अभी मैं यहाँ पे टोनर ले रही हूँ, जो कि एल्फ्स गुडनेस का आंबा हल्दी टोनर है, और ये बहुत ही अच्छा टोनर है। अगर आपको पिम्पल्स की प्रॉब्लम है तो इसे बहुत हद तक इसे दूर करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। तो ये टोनर बहुत ही अच्छा है, स्पेशली टीनएजर्स के लिए बहुत ही अच्छा फेस टोनर है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 स्प्रे अपने पूरे फेस में लगाऊंगी। और इसे डैप डैप टोशन में पूरा इसे अंदर तक इसे अब्जॉर्ब होने दूंगी फ्रेंड्स। देन यहाँ पे मैं वाओ का कॉफ़ी सीरम ले रही हूँ, फेस सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। इससे हमारा स्किन का टोन जो होता है वो ब्राइट होता है। अगर आपको इवन अनइवन स्किन टोन है तो उसे ठीक करने में हेल्प करता है, और डार्क स्पॉट्स का भी प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 ड्रॉप लूँगी, बहुत ही लाइट इसका कंसिस्टेंसी है। इसे लगाने के बाद लगता ही नहीं कि मैंने कुछ अपने फेस में लगाया है, एकदम ये नॉन ग्रीजी है और बहुत ही जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है पूरे फेस में।
सीरम भी लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं अंडर आई क्रीम लगाऊंगी, जेल क्रीम है और ये एल्प्स गुडनेस का जेल क्रीम है फ्रेंड्स। इसमें हाइलेनोरिक एसिड है और इसमें विटामिन ई बहुत ही अच्छा भरपूर मात्रा में दिया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप इसे फ्रीज करके लगाएंगे, इसे फ्रीज़र में आप आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा तो आपका आँख बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा फील होगा। और जितना भी अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो इसे ठीक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे निकल गया है, इसे मैं फिंगर के हेल्प से ही लगाऊंगी थोड़ा सा। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक इसे मसाज करूंगी अच्छे से। जब तक मैं इसे मसाज कर रही हूँ फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रोडक्ट को पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद आप लोगों को डेमो दे के बताऊँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट लगा रही हूँ शिया बटर प्लस एलोवेरा नाइट क्रीम, जो कि इसमें एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा नरिश करता है, मॉइस्चराइज रखता है। हम लोगों को रात में भी क्रीम लगाना ही चाहिए फ्रेंड्स, स्पेशली एंटी एजिंग क्रीम हम लोगों को 20+ से ही लगाना है, स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपको रिंकल्स और फाइन लाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैंने नाइट क्रीम लिए, मैं लास्ट बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम लगा रही हूँ, जो कि हमारे लिप को वाइट बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको पिगमेंटेटेड लिप है, आपका लिप ब्लैक हो गया है नेचुरली, आपको पिंक था पहले, आप कोई केमिकल या लिपस्टिक वगैरह लगा के कोई अल्कोहल ले के आपका लिप ब्लैक हो गया, तो इसे धीरे धीरे वाइट करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर है, मैं आपको हाथ में भी लगा के दिखाऊंगी, देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं इसे अपने होंठ में लगा रही हूँ, लिप में नेचुरल। ये पिंक हमारे होंठ को बनाने में हेल्प करता है और लगता है कि आप ग्लॉस यूज़ किए हैं, ऐसा लुक ये देता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप जब भी सोओगे तो आप अपने बाल को अच्छे से कॉम कर लेना, आप जितना भी टैंगल्स ये सब है, आप अगर बाल क्लेचर किए हो, क्लिप लगाए हो, कोई हेयर स्टाइल बनाया हो, तो उसे अच्छे से हटा लेना, उसके बाद अच्छे से बाल को फाइनली अपना बाल को बांध ली हूँ, एक चोटी मैंने कर लिया है। आप इसी तरह से एक प्लेट बना लीजिएगा अपने बाल का, उसके बाद आप सोइएगा। तो उसके नेक्स्ट दिन आप सुबह जब उठोगे तो आपका बाल इधर उधर बिखरा नहीं होगा, इससे आपका हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।